हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूं और यहां पे मम्मी और मामी जी लेने आए हैं। अब मैं जा रही हूं घर। का कर ले हो? सो फ्रेंड्स, ये है मेरा भतीजा, इसको मैं प्यार से गुपुर बुलाती हूं और इसका नाम है कोहा। तो ये बहुत खुश हो गया था जैसे पहचानता, और पूरे 6 महीने के बाद मुझे देख रहा था। तो ये ना ऐसे खुश हो रहा था जैसे कि बहुत मुझे पहचानता हूँ। देखो कितना खुश हो रहा है, मैं इसको खिला रही हूँ तो 6 महीने बाद पूरी इसको देख रही हूँ। 6 महीने बाद भोपाल आई हूँ, कितना खुश है। ले ले मिठाई, मिठाई ले ले। गप्पू, खाना खा लो भाई। नहीं अब नहीं ले रहे, अब तुम खाना खाओ फिर लेंगे। आ रहा है खिसक के। तो हम लोग जा रहे हैं मिठाई लेने, अब शॉपिंग करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यही पास में बहुत पुरानी दुकान है और इससे ज़्यादा टेस्टी मिठाई मैंने कहीं भी नहीं खाई है। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। यहाँ भी मैं और मेरा भाई जा रहे हैं। मैं आ गई हूँ मिठाई की शॉप पे। ये सबसे पुरानी शॉप है, हम लोग एटलीस्ट 2 या 3 साल के थे जब से आ रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए। तो आज मैं वहीं आई हूँ, भाई के लिए आई हूँ मिठाई लेने के लिए। ये ना भोपाल की वन ऑफ द बेस्ट मिठाई की शॉप है और बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे सभी स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि देखिए दही वल्ला हो गया और चाट पापड़ी वगैरह बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे मिलता। मतलब मैंने यूपी में भी इतना अच्छा नहीं खाया है जितना स्वाद यहाँ का लगता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट है। और मैं शादी में पहुँच गई हूँ यहाँ पर, तो बस शादी में जैसे शादी वाले घर में पहुँच गई थी मामा जी के यहाँ, और अब मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। तो वैसे ही सब मैसी पड़ा है शादी वाले घर में, तो आप देखते ही हैं। तो बस अब मैं रेडी हो रही हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप ना खुद से ही कर रही हूँ। लगाना बाकी है, अब मैं भाभी से बिंदी लेने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, कुछ ही देर में संगीत का प्रोग्राम जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको एंजॉय करेंगे। जरा उस पेपर को फोल्ड कर दो, आपको ऑलरेडी फोल्ड है, फोल्ड कर दो। देख रहे कितनी मेहनती है मेरे भाई लोग। वाह, ये अब मेहनत का पता चलेगा, मेरी कभी नहीं अड़नी। ये अब पता चलेगा कि भाई बहुत सारे गेम्स जो है करवाई, और दूल्हा बेचारा खुद ही एंकरिंग कर रहा था यहाँ पे। पेपर फोल्डिंग वाला डांस चल रहा था, तो पेपर पे डांस करना था, तो इसमें ये होता है ना, आप कितना एडजस्ट कर रहे हो उसका टेस्ट होता है। तो बस ऐसे ही जस्ट फॉर फन तो इस टाइप से गेम खेल रहे थे सभी भैया भाभी। बहुत इंजॉय करा, सबकी बारी आई डांस करने की, और ये तो जो है सो गए थे तो हम लोग तो डांस नहीं कर पाए संगीत प्रोग्राम में, क्योंकि उसी दिन आए थे तो काफ़ी थक गए थे और थोड़े दिनों से बीमार भी थे ना, तो ये सो जाते हैं जल्दी।
फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे डांस चल रहा था, तो कॉपीराइट की वजह से ना मैंने गाने जो है ऑन नहीं करा, नहीं तो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ बस ये डांस चल रहा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करा संगीत का प्रोग्राम। और मैं तो डांस नहीं कर पाई क्योंकि ये सो गए थे, ये थक गए थे, लखनऊ भी गए हुए थे एक दो दिन पहले जैसे कि आपने देखा था। तो हम लोग इतने थक गए थे सफ़र से कि ये सो गए थे, तो मैं बस प्रोग्राम देख रही थी। तो अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।